इस तरह का क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। हमसे कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब देखो यहाँ पर इसमें कह रखा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, मतलब क्लियरली आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा, दे रखी स्पीड है। तो ये डेफिनेटली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का केस है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का केस है। तो आपसे कह रहा अब बस डिक्रीजेस, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी ना, हाँ, तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का केस है। अब बस डिक्रीजेज इज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 to 60। देखो मुझे एक बात बताओ, जब स्पीड घट रही होती है, क्या कहा मैंने, जब स्पीड घट रही होती है तब आपके पास एक्सीलरेशन निगेटिव में आता, उस निगेटिव एक्सीलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आएगा यहाँ पर क्योंकि स्पीड घट रही है। अगर स्पीड बढ़ रही होती तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर स्पीड घट रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका उल्टा करो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान देना है हर तरीके से। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि बस की जो स्पीड की वो कहाँ से कहाँ की हो गई भाई, 80 थी वो 60 तक कहानी पहुँच गई। तो आप देखोगे चेंज इन स्पीड कितना हुआ, 60 माइनस 80, और ऐसा होने में कितना समय लगा, 5 सेकेंड का। देखो ऊपर किलोमीटर में दे रखा, ठीक है, अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, चलो ये भी अच्छा हुआ। 60 में से 80 माइनस करोगे तो माइनस का 20 आ जाएंगे, 1000 तो चल ही रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 20 तो माइनस के 4000 आया है, 4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, ये आ रहा है, देख लें कुछ और। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आर, अरे यार गलत कर दिया। पहले एक काम कर लेते हैं, ये चेंज जो आया है वो कितने का आया है, माइनस को 20 किलोमीटर पर आर आया है। इसको यार मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 / 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो आप डिवाइड कर लो इसको, अब 200 काटोगे 2 × 18, 200 काटोगे 10 बार चला जाएगा, तो माइनस के 50 / 9 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन स्पीड जो कि माइनस के 50 / 9 आई है, अपॉन टाइम टेकन, कितने का टाइम लगा, 5 सेकेंड का। ठीक है भाई, अब 500 काटोगे तो 5 × 50 माइनस के 10, तो माइनस के 10 / 9। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व करोगे 9 × 1 = 9, 1 बचा पॉइंट लगा दिया 0 आ गया 9 × 1 = 9, तो 1.1, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा माइनस के 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वैल्यू बिल्कुल सही है, माइनस के 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे गिर गया, तो ये वाला आंसर आ गया मुर्शद। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करता हूँ, स्टे ट्यून, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं।